हम जिला ईस्ट में लगे मुतासरीन के जो कैंप्स हैं जो कि तालीमी इदारों में लगे हैं उनका दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या सूरत हाल है। इस वक्त हम आ चुके हैं, ये गवर्नमेंट गर्ल्स सेकेंडरी स्कूल है और यहाँ पर मुतासरीन की कितनी तादाद है, यहाँ उन्हें क्या मसले मसाइल हैं, कब वो यहाँ पहुँचे। इस कैंप के हवाले से बताया जा रहा है कि यहाँ पर 11 दिन पहले मुतासरीन पहुँचे हैं अपने अपने घर बार को छोड़कर, वो यहाँ पे मौजूद है, उनको क्या सहूलियात फराम की जा रही है। हमारे साथ इस वक्त फिदा हुसैन मौजूद है जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। अच्छा फिदा, मुझे ये बताइएगा कि ये ताला भी आप ही ने खोला है जी, और इन लोगों को आप लेकर आए, किस जगह से ये लोग आए? ये नौशेर फिरोज गंडियारे से आए, लाख रोड गोट इनके सुल्तान अली बेगियो, जो चार गोट है सुल्तान अली बेगियो, कासम अली बेगियो, दिलावर और बचानी, जो चार गोट है वो फर्स्ट डे से मेरे से रबते में था क्योंकि मैं भी उनके इलाकों का ही हूँ, मुझे तो, मैं तो कराची का रहने वाला हूँ। तो जैसे उधर डूब चुका था, माना 12-12 फुट पानी चढ़ गया था घरों के ऊपर, घर गिरने लगे इनके। सही है, जरा हमारे नाज़रीन के लिए 12 फुट बताइएगा, जरा कितना होता है 12 फुट? ये आप समझ रहे हैं, ये आप 14 फुट है, ये 14 फुट है, ये 14 फुट है। आप अंदाजा लगा ले कि मेरी जो हाइट है वो 5 फुट से अबव है, तो 12 फुट का मतलब क्या हो गया, आप इससे अंदाजा लगा ले कितना ऊपर तक पानी था। मुसलसल बारिशों की वजह से पानी था या जो दूसरे इलाकों से जो पानी उतरा है उसकी वजह से इतना पानी था? एक था पानी बारिश की वजह से, जो दूसरे इन्होंने बंद तोड़े हैं, दूसरे इलाकों के जो गांव थे उनके जो छट्टे कहते हैं सिंधी में, उनके जो बंद होते हैं, जो इनको रोकने वाली चीज स्टेप होती है वो तोड़े हैं या वो टूटे हैं या वो तोड़ने जरूरी थे? कुछ अपने गाँव बचाने के लिए उन्होंने तोड़े हैं, कुछ खुद टूट गए हैं, कोई उधर से टूट के जो उधर के जो कहते हैं वडेरे शाही निज़ाम उनकी भी बदमाशी है। सही, अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि अपनी अपनी जमीनों को बचाने के लिए पानियों का रुख भी मोड़ा गया, ये भी सही है? ये भी सही है, ये इसमें कोई गलत नहीं है, जो अपने अपने घरों को बचाने के लिए या जमीनों को बचाने के लिए दूसरे गाँव के तरफ कर दिया है उन्होंने, पर जो बेचारे जो ऐसे मिस्कीन हैं जो लड़ाई झगड़े में नहीं, वो तो डूब गए हैं, उनके डूबने के लिए गवर्नमेंट ने क्या अमल दफर किया है? नहीं उधर उनके लिए कोई बेड़ी कोई लांच कुछ नहीं भेजा। अच्छा, हुआ वो जो लोग यहाँ पे 11 दिन पहले आए उनको कैसे रेस्क्यू करके लाया गया? उनको रेस्क्यू ऐसे जैसे ट्रेन आई हुई थी या इधर जैसे हम इनके थे, और निकालने में तो दूसरे वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वो फट जे कुछ नहीं, वो बताएं मुझे क्योंकि 12-12 फुट पानी में पहले निकालने में ये ट्रैक्टर वाले जो अभी ये बंदा था, ट्रैक्टर जीवन नाम है इसका, इसने निकाल के जो भी ये सब उधर के हैं, एक जो उनके जो पेटी या वो जिसमें कढ़ाई नहीं जिसमें बनाते हैं गुड़ बनाते हैं उनमें रख के इनको धकेल के उनको इधर। अच्छा, जी यानी जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ होती हैं उसमें बंदों को डालकर धकेल कर लेके जाया गया। आप क्या करते हैं? मैं भी मुतासर हूँ वहाँ। अच्छा। हमारी कुछ जमीनें भी हैं और उसके अलावा हमारे बच्चे एजुकेशन वगैरह वही हैं उसी विलेज से सुल्तान विगियो का। सही, तो जैसे ये बता रहे हैं कि बड़ी बड़ी कढ़ाइयों के अंदर पे हम चश्मदीद कराए जिसके वीडियोस वगैरह हमारे पास आज भी सेफ हैं इसके अंदर। सही है, वो आप डबल स्क्रीन पे देख रहे होंगे, विंडो पे वो चल रही होंगी सारी वीडियो। एक्चुअली ये सारी हमारे पास मौजूद है। वहाँ का सूरत हाल ये था कि 2 महीने की बारिश मुसलसल होने के बावजूद चलो ये था स्टेप के रुक जाएगी, बाद में एक रात में इतना स्टेप आया कि 8 फिट पानी आया। 8 के बाद फिर लोगों ने थोड़ा थोड़ा समेटना शुरू किया, फिर दूसरी शाम को तकरीबन ये पानी 5 से 6 फुट चढ़ गया। अचानक इसका दबाव ज़्यादा हो गया, इस दबाव से फिर लोगों ने किया कि अपने घर के सामान की पेटियाँ निकाल के उनके अंदर बच्चे रख के कुछ ऐसे करके बाहर निकले। जब थोड़ा सा बाहर ऊंचाई पे गए तो फिर वहाँ पे ये मिस्टर जीवन थे, उनका पास ट्राली ट्रैक्टर था, इन्होंने निकाल के किसी